आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार कर्ण जी के इस प्लेटफॉर्म पर आज मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज इस चैनल पर मैं राजद्रोह के दूसरे पार्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस पार्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि इस प्रकार की उम्मीद मैं आप सब स्टूडेंट से ही कर सकता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस भावना का ध्यान रखोगे राजद्रोह का जो पार्ट फर्स्ट मैंने आपको उपलब्ध करवाया था उसके तहत मैंने दिशा रवि ग्रेटा थूनबर्ग से संबंधित जो भी घटनाएं थी उनको जोड़कर मैंने टूल किट पर बात की थी टूल किट मुद्दे के बाद में जब हम आगे बढ़ते गए तो हमारे सामने एक राजद्रोह शब्द भी आया था उसकी बात मैं फर्स्ट पार्ट में कर चुका हूं आज मैं इस पार्ट में राजद्रोह पर बात करने जा रहा हूं कैसी स्थितियां हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसी की ही मैं चर्चा करूंगा मेरे कहने का मतलब है मैं जो भी आपको नॉलेज डिलीवर करूंगा उसका संबंध आपके एग्जाम से होगा मेरा पूरा फोकस आपके एग्जाम की स्ट्रेटेजी पर है इस बात पर ध्यान रखें एक्सेट्रा हम इसको कितना भी बढ़ा दीजिए इसकी कोई सीमा नहीं होती है ये सब आप लोग जानते हो राजद्रोह क्या होता है यदि मैं इसकी बात करूं तो वास्तव में जैसे आपने आज एक न्यू अखबार में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन देखा असहमति राजद्रोह नहीं है असहमति राजद्रोह नहीं है इन्हीं बातों को सुप्रीम कोर्ट कई बार दोहरा भी चुका है अन्य रूप में मैं उनकी बात करूंगा नेशनल मूवमेंट के दौरान यदि हम देखें सबसे पहले मैं थोड़ी पुरानी बात करना चाहूंगा नेशनल मूवमेंट जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था हम जानते हैं अठारह से 1947 तो ब्रिटिश सरकार ने कई प्रकार के कानून बनाए जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ था एक तरीके से वो जो अधिकार थे वास्तव में किसी भी अभिव्यक्ति को रोकने का एक जरिया थे जैसे मैं आपसे कहूं आप भली भांति जानते हो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये बना था एक्ट बनाया गया था यह वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप जानते हो इसके तहत भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था एक लाइन लिख दीजिए यहां पर इसके तहत भारतीय भाषाओं में भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई इसके तहत भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई एक क्वेश्चन आता है यह कब लाया गया था तो 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा ये सन इंपोर्टेंट है ध्यान रखें लॉर्ड लिटन के द्वारा एक बात और पूछ लेते हैं वो वो कहते हैं रोक किसने लगाई किसने वह कब लगाई ये भी आता है आप भली भांति जानते हो रोक किसने और कब लगाई ये जो रोक लगाई गई थी अठारह में लगाई गई थी और लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाई गई थी ये दो बातें आप ध्यान रखना क्योंकि प्रेस एक्ट के नाम से आप इतना तो समझ जाओगे कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध से यह संबंधित था लेकिन जो ये बातें हैं 1878 में यह लागू हुआ था और लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लागू किया गया था बाद में इसको हटा दिया गया वापस ले लिया गया रोक लगा दी गई यह रोक लगाई गई अठारह में लॉर्ड रिपन के द्वारा यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखें इसी तरीके से एक बात और हमारे सामने आ जाती है आप जानते हो रोलेट एक्ट ये कुछ ऐसे एक्ट थे जिन्होंने भारतीयों को काफी परेशान किया था उनकी अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उनको या आप कह सकते हो कि उन पर एक गहरा प्रहार किया था रोलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था मार्च 1919 में आया था आप जानते हो कि इसे बिना अपील बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है इसके तहत किसी भी भारतीय को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था कि आप किसी क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त हो इस कारण से आपको गिरफ्तार किया जाता है इस एक्ट के कारण आप जानते हो 13 अप्रैल 1919 को जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था इन सब बातें बातों की चर्चा हम नेशनल मूवमेंट में करते भी हैं आप जानते हो चलिया वाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को यह आपके लिए थोड़ा सा इस तरीके से भी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि 13 अप्रैल 2019 को 100 वर्ष पूरे हुए हैं इसके तो यह जो आसपास के वर्षों में जो 100 वर्ष पूरे होते हैं पिछहत्तर वर्ष पूरे होते हैं 25 वर्ष पूरे होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने रख देते हैं तो एक बार आप इसे राइट डाउन करें फिर इसके आगे की चर्चा में अभी करता हूं अब जो मैं एक्ट की बात करने जा रहा हूं वो वास्तव में आईपीसी की एक धारा है हाल फिलहाल आपने न्यूज़पेपर में उस धारा के बारे में पढ़ा भी होगा मैं उसी की बात करने जा रहा हूं आईपीसी की धारा 124 ए इंडियन पैनल कोड बोलते हैं भारतीय दंड संहिता बोलते हैं 124 चौबीस ए की बात करने जा रहा हूं इसमें राजद्रोह के बारे में बताया गया है अब आप देखिए यदि इसमें राजद्रोह के बारे में बताया गया है तो अपने आप में आपके लिए एक महत्वपूर्ण धारा बन जाती है ये। ये लगा दीजिए। एक लाइन लिखिए इसके अंदर क्या बात कही गई है लिखिए यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति लिखकर बोलकर लिखकर, बोलकर या अन्य किसी भी प्रकार से अब इसमें सब आ गए सोशल मीडिया भी आ गया या अन्य किसी भी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति लिखकर, बोलकर या अन्य किसी भी प्रकार से भारत में भारत में विधि द्वारा स्थापित भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार अब विधि द्वारा स्थापित सरकार का मतलब क्या हो गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली होती है संवैधानिक होती है जैसे वर्तमान में भारत में राज्यों की जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनली है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली है ये विधि द्वारा स्थापित सरकार होती है तो कोई व्यक्ति लिखकर बोलकर या अन्य किसी भी प्रकार से विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ के खिलाफ नफरत फैलाने अब मानना करने या शत्रुता का भाव रखकर शत्रुता का भाव रखकर मतलब दुश्मनी का भाव रखकर अवमानना करने या शत्रुता का भाव रखकर काम करता है शत्रुता का भाव रखकर काम करता है तो वह राजद्रोह है ये बात कही समझ में आई बात सर आईपीसी की धारा एक ए का यह कहना है कि कोई व्यक्ति सरकार की यदि अवमानना करता है उसके खिलाफ नफरत फैलाने का काम करता है या शत्रुता का भाव रखते हुए कोई काम करता है तो वह राजद्रोह है इस धारा को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि हम फिर तो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दें वो राजद्रोह में आ जाएगा ऐसा नहीं है यहां आप जानते हो विधि से भी बड़ा संविधान है भारत का और संविधान में आर्टिकल 19 दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दे रखी है इस कारण से इसको हमें थोड़ा एक्सप्लेन रूप में समझना पड़ेगा इसके अंदर जो छुपी हुई बात है वो क्या है और इसके अंदर जो छुपी हुई बात है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो डिसीजन के द्वारा समझा दिया है आप जानते हो आपके क्वेश्चन भी आता है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है एक्सप्लेन कौन कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है दो डिसीजन दिए सुप्रीम कोर्ट ने हेडिंग डाल दीजिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना इनका एक तो दिया था उन्होंने 1962 में और एक दिया था उन्होंने 1995 में 1962 में क्या डिसीजन दिया था एक लाइन लिखिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है ध्यान रखें किसी भी स्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है राजद्रोह नहीं है 1995 में जो खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी हुई थी उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था लिखिए खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में इसलिए नहीं आती है राजद्रोह के दायरे में इसलिए नहीं आती है क्योंकि समुदाय के अन्य सदस्यों ने समुदाय के अन्य सदस्यों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है समझ रहे हो बात को समुदाय के कोई अन्य सदस्य है उन्होंने यदि इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है तो खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में नहीं आएगी आगे सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि सिर्फ नारेबाजी करना राजद्रोह नहीं है लिख दीजिए अर्थात सिर्फ नारेबाजी करना राजद्रोह नहीं है अब आप मेरी बात को भली भांति समझ गए होंगे सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजन के माध्यम से कि कन्हैया ने जेएनयू में जब नारेबाजी की थी तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया तो नारेबाजी करना राजद्रोह नहीं है ध्यान रखें 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था और 62 में यह कहा था कि सरकार की आलोचना करना किसी भी परिस्थिति में राजद्रोह नहीं है क्योंकि आप जानते हो हमारा जो भारतीय संविधान है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है तो ये राजद्रोह के संबंध में मैंने कुछ बेसिक बातें जो है आपको समझाने की दृष्टि से मैंने बताई है अन्य कोई भी फैक्ट इसके साथ जुड़ता है तो उसको मैं आपको डिलीवर करूंगा आप इसके लिए मैं चाहूंगा कि कुछ पेजेज जो है या पेजेज नहीं या आधा पेज छोड़ दें क्योंकि नई नई बातें मुझे ऐसा लगता है अब इसमें जुड़ेगी वर्तमान में जो आप अखबार पढ़ रहे हो उसमें कुछ बातें लगभग प्रतिदिन आपके सामने आ रही है हो सकता है कोई नई बात ऐसी आ जाए जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दे तो उसको मैं आपको डिलीवर करूंगा तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो दोस्तों आज हमने राजद्रोह को एग्जाम की दृष्टि से पढ़ा मैं यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि स्टूडेंट जो है दिग्भ्रमित बहुत है बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित है उस दिशा में मैं आपको कई बार अपने अनुभव भी शेयर करता हूं आपको बताता भी हूं स्टूडेंट ये सोचता है कि कुछ भी पढ़ लू जो आ रहा है सब समेट लूं मेरे प्यारे बच्चों यह स्ट्रेटेजी सही नहीं होती है यह कामयाबी में बाधक होती है ध्यान रहे ऐसा ना करें आपके पढ़ने का अपना एक तरीका होता है राजद्रोह छोटा टॉपिक नहीं है बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन आपके एग्जाम में किस तरीके से वो पूछा जाएगा यह इसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है और इसी को बताने का प्रयास राकेश मेहरा जी के क्लासेस के द्वारा किया जाता है तो मैं चाहूँगा कि मेरे इस प्रयास को अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ अब आप मुझे इजाज़त दें आप सभी को मेरा नमस्कार